गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, हमने आप तीन चार दिन में मैं जो फोर्थ चैप्टर है उसको कंप्लीट किया। पहले मैं आपको ये इंट्रोडक्शन दे दूँ, आप फिफ्थ क्लास से सिक्स क्लास में आए, आपने फिफ्थ क्लास में क्या पढ़ा है? ईवीएस पढ़ी। अब एसएस पढ़ रहे हैं आप, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, सोशल स्टडी हो गया, आप इसको ईवीएस नहीं बोलेंगे। अब आपके पास थ्री बुक्स है बेटा, सभी ने बुक्स ले ली होगी, आपने देखा होगा थ्री बुक्स है, एक है ज्योग्राफी जो अपना टॉपिक चल रहा है, एक है पॉलिटिकल और एक है हिस्ट्री। तो कंफ्यूज मत होइए, ये एसएस के पार्ट है। तो आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर फोर जो मैप है उसको समराइज करेंगे कि हमने तीन चार दिन में जो पढ़ा उसको जल्दी से रिपीट करें और कहें कि क्या क्या हमने पढ़ा। बिना बुक देखे अगर आपसे कोई पूछे कि इस चैप्टर में क्या क्या है वो समझेंगे हम। सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा था ग्लोब, ग्लोब के फायदे भी और नुकसान भी है। फायदा क्या है? जब हम पूरे वर्ल्ड को एक साथ स्टडी करना चाहें तो हम ग्लोब का यूज़ कर सकते हैं, वो सुटेबल है उसके लिए। लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस को अगर हम स्टडी करना चाहें तो उसके लिए ग्लोब सुटेबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैप। अब पता चला मैप चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मैप क्यों ज़रूरी है। तो मैप क्या है बेटा, आपने ये भी देखा होगा कि मैप है क्या। मैप यूजफुल है एक स्मॉल पर्टिकुलर थिंग को अगर हमें शो करना है, स्टेट है, विलेज है, कंट्री है, तो उसके लिए हम मैप यूज़ करते हैं। इजीली हम किसी भी एक पार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद हमने ग्लोब के बारे में, पहले हमने ग्लोब के लिए पढ़ा क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? मैप्स पढ़ा। मैप एक रिप्रेजेंटेशन है, क्या कहेंगे, आर्ट के किसी भी पार्ट को शो करने के लिए ड्राइंग है, ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन है। फिर पढ़ेंगे हम एटलस, नाम सुना है आपने एटलस, एटलस को हिंदी में कहते हैं मानचित्रावली, यानी इसमें मानचित्रों का संग्रह होता है, एक साथ विभिन्न प्रकार के, विभिन्न साइज के और विभिन्न शेप्स के क्या होते हैं, मैप होते हैं, तो ये एटलस है। अब हमने इसके बाद एटलस के बाद पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मैप, क्या पढ़ा बेटा हमने? टाइप्स ऑफ मैप, कितने टाइप्स बताए थे बेटा? थ्री। फर्स्ट बताया था फिजिकल, क्या बताया था बेटा? फिजिकल मैप। सेकंड बताया था पॉलिटिकल। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? हमने पढ़ा वो हम एक साथ रिवाइज कर रहे हैं। फिर बताया था थेमेटिक, याद आया कुछ? फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थेमेटिक मैप। फिजिकल मैप को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक मैप। प्राकृतिक मैप में हम क्या शो करते हैं? माउंटेन है, रिवर है, पॉन्ड है, लेक्स है और प्लेट्यूज है, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल मैप में शो करते हैं हमारी। और पॉलिटिकल मैप में क्या होता है? कंट्री है, स्टेट्स है, विलेज है, सिटी है, टाउन है, इसको कहते हैं राजनीतिक मैप। और थेमेटिक मैप में एक स्पेशल इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे हम किसी फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं, किसी माउंटेन के बारे में बता रहे हैं, स्पेशल किसी रिवर्स के बारे में बता रहे हैं, यानी इसके टाइटल भी उसी हिसाब से दिया जाता है। अगर हम फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं तो फॉरेस्ट मैप कहलाएगा, रेनफॉल के बारे में बता रहे हैं तो रेनफॉल मैप कहलाएगा। तो ये तीन टाइप्स के हमने मैप पढ़े। फिर हमने बेटा क्या पढ़ा था? कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप्स, कितने थे कॉम्पोनेंट्स? थ्री, ये भी थ्री थे, वन टू और थ्री। फर्स्ट क्या था बेटा? डिस्टेंस, क्या था? डिस्टेंस। फिर क्या था? डायरेक्शन। और थर्ड क्या था? सिंबल। ये क्या है? कंपोनेंट्स है मैप के, यानी किसी भी मैप को बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, डिस्टेंस की जरूरत होती है, बिना डिस्टेंस शो किए हम मैप को एग्जिट नहीं बना सकते, आपको वो असली उस चीज़ का मैप लगेगा नहीं जिसका आप बनाना चाहते हैं कि असलियत में ऐसा है। और डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के आप किसी मैप को समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा जो प्लेस है वो किस डायरेक्शन में है, हमें कहाँ लोकेट करना है। सिंबल्स, हम सारी चीज़ें, हम एक पेड़ को शो करना चाहें तो हम एक पेज पे शो नहीं कर सकते, लेकिन इसके सिंबल को हम आसानी से शो कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हैं जो इंटरनेशनल जो अथॉरिटी है उसने उसको अप्रूव किया है, उन सिंबल्स को हर मैप में, यूनिवर्सल लैंग्वेज है बेटा ये। अगर आपको कहीं की भाषा ना भी आए तो भी आप सिंबल्स के द्वारा आसानी से मैप को रीड कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्लेस की लैंग्वेज जानना आपको जरूरी नहीं है। तो ये तीन चीज देखा। डिस्टेंस में हम स्केल को यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं बेटा स्केल, यहाँ स्केल आपकी ज्योमेट्री वाला स्केल नहीं है बेटा, इसको हम कहते हैं पैमाना।
एक स्टैंडर्ड पैमाना होता है या स्टैंडर्ड डिस्टेंस को शो करने के लिए कि एक्चुअल जो डिस्टेंस है उसको हम मैप पे कैसे शो करें। जैसे हमें 500 किलोमीटर शो करना है, क्या करना है, 500 किलोमीटर शो करना है मैप पे, तो हम 500 किलोमीटर तो एक पेज पे शो नहीं कर सकते। इसका एक स्केल होता है कि हम 1 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर को शो कर सकते हैं, यानी इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 500 किलोमीटर शो कर रहा है, यानी ये एक्चुअल डिस्टेंस है और ये 1 सेंटीमीटर मैप का डिस्टेंस है। क्लियर हो गया? डिस्टेंस स्केल के द्वारा होता है। स्केल 2 टाइप्स के होते हैं, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल देखिए उल्टा है, लार्ज स्केल में हम छोटे चीज को शो करते हैं, कोई भी छोटी चीज को शो करना है लार्ज स्केल से कर सकते हैं, आसानी से उसको समझ सकते हैं। और स्मॉल स्केल में क्या होता है, जैसे कॉन्टिनेंट्स है, ओशियंस है, अगर हमें उन्हें शो करना है तो हम स्मॉल स्केल के द्वारा शो करते हैं। स्मॉल स्केल में क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर में हम ज्यादा किलोमीटर शो करें, जैसे 1 सेंटीमीटर में हम स्मॉल स्केल में करेंगे 500 किलोमीटर, अगर हम लार्ज स्केल कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर में हम कर सकते हैं 500 मीटर। क्लियर हो डिफरेंस? ये हमारा 500 किलोमीटर है, ये स्मॉल स्केल है और ये है लार्ज स्केल। कंफ्यूज ना हो बेटा, नाम से उल्टा विपरीत, जैसा नाम है उससे विपरीत है। लार्ज स्केल में हम छोटी चीजों को शो करते हैं इजीली और स्मॉल स्केल में बड़ी चीजों को आसानी से हम शो कर सकते हैं, क्योंकि उसको बड़ी चीजों को हमें पेज पे शो करना है तो हम डिस्टेंस ज्यादा दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर में एक्चुअल डिस्टेंस ज्यादा दिखाएंगे, लार्ज में जो डिस्टेंस है उसको कम दिखाएंगे। ये तो हमारा हुआ डिस्टेंस का। अब आ जाइए डायरेक्शन, सभी का डायरेक्शन का सभी को पता है डायरेक्शन क्या है, दिशा। अपनी 4 कार्डिनल जो डायरेक्शन है वो कौन सी है बेटा, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, सभी जानते हैं बेटा 4 मुख्य दिशाएं हैं, मेन डायरेक्शंस हैं। मैप में हरदम आपने एक सिंबल देखा होगा और उस पे लिखा रहता है एन, ये किसको इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन, यानी ऊपर की तरफ हमारी नॉर्थ है। जब हमें एक डायरेक्शन का पता चल जाता है तो अदर 3 डायरेक्शन को हम आसानी से पता कर सकते हैं, जैसे ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा, साउथ, ये क्या होगा, ईस्ट और ये क्या होगा, वेस्ट। क्लियर हो बेटा? ये है कार्डिनल्स डायरेक्शन। अब इनके बीच में इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती है, यानी एक दूसरे के दो डायरेक्शंस के बीच में एक डायरेक्शन होती है। देखिए ये है नॉर्थ और ये ईस्ट है, इसके बीच में कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ है और ये ईस्ट है, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ये है साउथ ईस्ट, ये साउथ है और ये वेस्ट है, ये होगा साउथ वेस्ट, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, तो हम इसको लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट। टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई। इनके द्वारा हम आसानी से किसी भी जगह की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। जब हमें एक डायरेक्शन पता हो जाती है तो अदर डायरेक्शन हम आसानी से पता कर सकते हैं। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट भी है बेटा, कंपास। क्या है कंपास? ये क्या है, डायरेक्शंस को पता करने के लिए यूज किया जाता है, डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हरदम जो इसकी मैग्नेटिक जो नीडल होती है बीच में, वो हरदम क्या करती है बेटा, नॉर्थ साउथ को इंडिकेट करती है। हमेशा इसकी नीडल नॉर्थ साउथ में होती है, तो हमें जब 2 डायरेक्शन का पता होता है तो हम दूसरी 2 डायरेक्शन का भी पता कर सकते हैं। ये किसमें यूज होती है, शिप्स होते हैं, जहाज, समुद्री जहाज होते हैं, ट्रेन्स होती हैं, उसमें क्या है, डायरेक्शन को पता करने के लिए हमें ये कंपास का यूज करना पड़ता है। तो आप डायरेक्शन क्लियर हुआ बेटा, डायरेक्शन मेन डायरेक्शन, इंटरमीडिएट डायरेक्शन और कंपास। हमने डिस्टेंस भी पढ़ा, डिस्टेंस क्या होती है, स्केल क्या होता है, स्केल्स के टाइप्स पढ़े। अब सिंबल्स देखिए बेटा, सिंबल्स के बारे में हम देखते हैं। सिंबल आना होता है चिन्ह, क्या होता है बेटा चिन्ह, आपने देखे होंगे रोड सेफ्टी के चैप्टर में कि रोड सिंबल्स होते हैं। जिसको हम हाँ आसानी से बिना किसी से पूछे ही हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। मैप के सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा यो करके एक होता है, ये होता है
आप एक मोटी सी लाइन देखिए, डॉट उसमें मोटा सा होता है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री होती है। मैथ में आपको मैंने पहले ही बताया सिंबल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है एक सुंदर चीज दिखने के लिए। देखिए आप मैथ में ओरिजिनल चीज तो बना ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है बेटा कि आप माउंटेन को शो करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पेज पे पूरे माउंटेन को शो करें, पूरे ट्री को शो करें। तो ये कुछ सिंबल से बेटा, जैसे हमने देखा होगा पीओ लिखा रहता है, इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस, इसको कहेंगे पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम ऑफिस पीटीओ। वैसे पीटीओ का मतलब अगर नोटबुक में लिखते हैं तो प्लीज टर्न ओवर भी होता है, पर यहाँ अगर आप मैप में देखते हैं तो इसको पीटीओ का मतलब क्या होगा कि पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम ऑफिस होगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा छोटी छोटी आपने सीनरीज में भी देखा होगा, क्या दिख रहा है आपको, ये सभी पहचान जाएंगे कि ग्रास है, क्या है बेटा ग्रास है। आपने ब्रिज बनाया होगा, ये ब्रिज है, तो ये क्या है बेटा कन्वेंशनल सिंबल्स है जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं मैप में इंडिकेट करते हैं प्लेसेस को। क्लियर बेटा, ये तो हमारे क्या थे तीन कंपोनेंट्स थे मैप के। अब इनके अलावा एक है स्केच, क्या है बेटा स्केच, और दूसरा है प्लान। ये हमारे दो लास्ट टॉपिक है बेटा। स्केच क्या होता है, जैसे आपको अपने किसी दोस्त के घर जाना है, आप उस गांव में पहुंच गए या उसके आसपास कहीं पहुंच गए, फिर आपको उसका घर का नहीं पता जाए कहां पे, तो आप क्या करोगे अपने फ्रेंड से कॉल करोगे कि घर का पता बताओ, तो एक रफली स्केच बताता है। वो सबसे पहले आपसे पूछेगा आप खड़े कहां पे हो, फिर आपको बताएगा यहां से आपको कहां जाना है, राइट जाना है लेफ्ट जाना है, फिर आगे क्या आएगा, हाईवे आएगा कच्ची रोड आएगी या कोई टेम्पल आएगा, जो भी सिंबल जो होगा मेन सिंबल वो आपको बताएगा। इस तरीके से वो आपको अपने घर पहुंचा देगा। तो ये तो स्केच, ये होता है नॉट ए स्केच, इस ये बिना नॉट ऑन स्केल, स्केल के आधार पर नहीं होता बेटा, इसका कोई स्केल नहीं होता है कि आप परफेक्ट एक सेंटीमीटर में इतने किलोमीटर बताएं। आप रफली एक ओरली या रफली स्केच बना के बताते हैं किसी भी जगह का। अगर आपसे कोई अपने स्कूल का पूछे तो आप रफली स्केच बना देंगे, भाई मेरे घर से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, फिर वहां जाओगे, यहाँ दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, फिर हमारी स्कूल आ जाती है। अब ये तो स्केच सभी जानते हैं, अब प्लान पे आ जाओ। प्लान स्केल से बनता है बेटा, इसमें एक स्टैंडर्ड स्केल होता है। जैसे आपने देखा होगा मैप पे हम क्या है सिंपली हम किसी की लोकेशन को पता कर सकते हैं, पर अगर हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ का पता करना हो किसी भी चीज का, तो मैप इस चीज को शो नहीं कर पाता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है उस जगह की। आप प्लान से क्या कर सकते हैं, जैसे आपने अपने घर का प्लान बनवाया है तो आप एक रूम की लेंथ भी और ब्रेथ भी आराम से उसमें शो कर सकते हैं प्लान में। आप यहाँ उसकी लेंथ लिख दीजिए 50 सेंटीमीटर लिख दीजिए, या फिर यहाँ लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। तो ये प्लान में एक स्केल के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। तो समझ में आया बेटा डिफरेंस, ग्लोब मैप अपना एटलस, अपने जो कंपोनेंट्स हैं, अपने उसके स्केच और प्लान, ये अपना मैप जो चैप्टर है बेटा एक तरह से समराइज्ड है। आपसे कोई पूछे बुक बिना खोले आप आसानी से बता सकते हैं कि हमने 4 चैप्टर मैप में क्या पढ़ा। तो इजी